जय माता दी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका लव्य एस्ट्रोलॉजी में। परमात्मा की अद्भुत कृपा और विशेष अनुकंपा से हम फिर से आपके सामने लव्य एस्ट्रोलॉजी में आपको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस महामारी के काल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जागरूक करने के साथ साथ आपके जीवन की विडंबनाओं को भी ठीक करें। ये पूरी के पूरे विश्व में इस समय हताहत स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। इस बार की नवरात्रि शायद मेरे अपने जीवन की प्रथम नवरात्रि है जिसमें ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हमें संसाधित होना पड़ रहा है। महामाया कभी जीवन में ऐसी अव्यवस्थाएं न लाए। कुपुत्रो जायेता कुचित कुमाता नभवती। माता कभी अभी ऐसी अव्यवस्थाएं ना होने पाए। हम सबसे बड़ी सारी त्रुटियां हुई होंगी कभी ना कभी, हम सबसे कभी ना कभी बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी जिस वजह से ऐसी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बार की नवरात्रि हम सब घर में रह करके न मनाएंगे। आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आप सब इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए कि हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब सब हम एक हो जाए। ये काल थोड़ा कठिन जरूर है, मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है इसमें। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपको कहा है, कोरोना की जब बात स्टार्ट हुई थी तभी मैंने कहा था कि ये कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं है, बस केवल सावधानी की आवश्यकता है। सावधान रहेंगे तो हम डेफिनेटली बचेंगे। इससे बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं से हम सब पहले जूझ चुके। ईश्वर न करे कभी ऐसी अव्यवस्थाएं आए। इस बार की नवरात्रि में कैसे और क्या करें उसके लिए मैं हाजिर हूं। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं कि नवरात्रि को कैसे मनाएं। जो भी आपके पास सामग्री है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुकूल करिएगा। बहुत पूजा पाठ नहीं हो पाता, ईश्वर सब जानता है, सब पता है उसे। जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में व्याप्त है, उसे कौन मना सकता है? सच मानना, उसे कुछ चढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ खिलाया नहीं जा सकता। जिसके एक भी पैर नहीं है फिर भी वो दौड़ता है, और जिसके हजारों लाखों हाथ पैर हैं, समझने की कोशिश करना उस अद्भुत शक्ति को। क्योंकि बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, को विधि कर्म करई विधि नाना। बिनु पग चलही सुनही बिनु काना। जो बिना पैरों के चलता है और बिना आंखों के देखता है और बिना कानों के सुनता है, वही तो सर्वोपरि है, वही तो वो शक्ति है। हम उस आदि शक्ति जगदाम्बा पराम्बा भुवनेश्वरी आदि महामाया को मनाने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि में बड़ी परंपराएं हैं, कन्या पूजन से लेकर के अनेकों परंपराओं का हम निर्वाहन करते चले आ रहे हैं। जैसे हम घट स्थापन करते हैं, आचार्य को पंडित को घर बुला करके पाठ करवाते हैं, स्वयं पाठ करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन और बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। नवरात्रि के पहले बाजार बिल्कुल लग जाया करते थे, चारों तरफ सजा होता था, मालूम पड़ता था कि भाई नवरात्रि आ गई। इस बार तो मंदिर भी बंद है, तो कैसे मनाएंगे? बिल्कुल हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो कणकण में व्याप्त है, जो हर जगह अवेलेबल है, उसको कहां ढूंढने की आवश्यकता है? पहली बार परिस्थितियों के परिस्थिति जन्य होने के बावजूद हम शायद चीजों को समझ पाएंगे। मंदिर जाना बुरा नहीं है, बड़े विधान करनी गलत नहीं है, लेकिन सत्य मानना, ईश्वर कभी उनको नहीं मिला जो यही करते थे। ईश्वर हमेशा उनको मिला जो ये नहीं कर पाए किसी अभाव की वजह से। अभाव में प्रभाव होना और प्रभाव में अभाव होना, ये शायद प्रकृति का बेसिक नियम है। किसी भी चीज के अभाव में जब कोई काम आप करते हो तो ईश्वर समझता है, आप प्रभाव में करते हो तो ईश्वर नहीं समझता। आपके पास सब कुछ है और आपकी देने की इच्छा नहीं,
हृदय में स्पेस नहीं है, भाव नहीं है, तो सब बेकार है। आपके पास नहीं है और आप देना बहुत कुछ चाहते हो तो परमात्मा प्रसन्न है तुमसे, क्योंकि भाव काबू खाहूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो हमें तो भव से बेना पार है। फिर किस बात की कमी होगी? इस बार भाव से भक्ति में होकर के हम नवरात्रि का कार्यकाल कंप्लीट करेंगे। इस बार पंडित पंडा पुजारी पाधा की जरूरत नहीं है हमको। रीति कुरीति कुनीति सब चीजों को त्याग कर संपूर्ण भावनाओं के आधार पर हम अपनी मां को मनाएंगे। हमारे और हमारे मां के बीच में सामग्री की जरूरत है क्या? अच्छा, थोड़ा बुरा मत मानना, समझने की कोशिश करना। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमको अपनी मम्मी से, अपनी माता जी से कुछ मांगना हुआ और आप आरती लेके पहुंच गए? मम्मी तुम तो बड़ी अच्छी हो, आरती करती हूं, हट, क्या हुआ? ऐसे मानेगी वो? अंदर भाव चाहिए साहब। आरती का सीधा संबंध है कि मैं अपने जीवन को जला करके प्रकाशोत्सव करना चाहता हूं। आरती का मतलब केवल घी से आग जला करके घुमाना नहीं है, वो भाव है अंदर का। ये नवरात्रि इस बार भाव और भक्तिमय होगी। इस आपदा से तो हम लड़ेंगे, हमें पता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे। कोई बोलता है कर्फ्यू लग गया, अरे नहीं लगे, हमें जाना ही नहीं है ना, हमने खुद ये ठान लिया है, हमने खुद इस बात को मान लिया है कि हमें जाना ही नहीं, और हम तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक सब चीजें ठीक नहीं हो जाती। हम सब मिलकर के पूरी कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा प्रबंध करेंगे। ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे अपने परिवार की बात है। जब हम ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा मेरा कुटुंब है, तो भैया फिर हम अपने लोगों की तो जिम्मेदारी रखते हैं ना, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने लोगों की, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है, सरकार की थोड़ी है। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे, हम पूरी तरह से निर्वाहन करेंगे और किसी भी तरह से मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाएंगे। घर ही मां तुम काम नहीं बे, पूजन करे कबहू न जईबे मंदिर मां। मंदिर मस्जिद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हृदय में परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है। तो चलो जल्दी से वो उपाय नोट कर लो, तो चलो जल्दी से वो उपाय, वो सॉल्यूशन नोट कर लो, जिससे तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं कि आप छोटी सी बात को बड़ा करके बताते हो। हाँ, काम है हमारा। मान लिया कि तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें जल्दी समझ में आता है, मैं आऊं और नमस्कार करूं, मंत्र बोल के चला जाऊं, तुम जानकार हो। पर हमारे कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझते, उन्हें पूरी बात समझानी पड़ती है। इसलिए भैया मैं तो ऐसा ही करने वाला हूं, आपको नहीं ठीक लगता तो फिर नमस्ते। तो ओवरऑल हम कहने का संबंध यह है कि आज हम नवरात्रि मनाने की विधि पर बात कर रहे हैं। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन में कैसे क्या करना है। आपके पास जो भी सामग्री हो उसके अनुकूल कीजिएगा, कोई आपाधापी की आवश्यकता नहीं है। अखंड ज्योति जल पाए तो भी अच्छा है, अखंड पाठ हो पाए तो भी अच्छा है, और नहीं हो पाए तो भी अच्छा है। पूरे भाव से 9 के 9 दिन हम समर्पित रहेंगे। इस बार सामग्री की जगह हम खुद अपने आप को मां के चरणों में रखेंगे। हम सपरिवार आपके चरणों में है, हमारी सुरक्षा करो, हमारी रक्षा करो और हमें अपना बनाओ। हाँ, क्योंकि मां से बढ़ के कोई दुनिया में है नहीं। इस भरी दुनिया में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है, समझना उसको, पढ़ी सकती है,
अद्भुत पावर है। बड़ी से बड़ी विपदाओं को समाप्त करने की क्षमता रखती है मेरी माँ। बस उसके चरणों में ध्यान तो लगाओ, उसको पूरा मानो तो सही। अगर तुम्हारे घर में लौंग इलायची सुपारी है तो जरूर चढ़ाइएगा। लौंग का जोड़ा और कपूर के साथ चढ़ाने से आपके जीवन में उजाला आएगा और प्रकाशोत्सव होगा और बुरी चीजें समाप्त होंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास नवरात्र में कोई भी काम करने की इच्छा है तो हम आपको एक बहुत बढ़िया विधान बताते हैं। एक प्लेन कागज पे अपनी पूरी की पूरी कामना, अपनी इच्छा लिखिएगा और उसके चारों कोनों में या तो रोली या तो हल्दी लगा दीजिएगा। उसको पूरा फोल्ड करके पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, तीन दिन तक लगातार देवी मंदिर में अपने ही घर में मूर्ति के ठीक नीचे उसको दबा दीजिएगा और तीसरे दिन निकाल करके अपने तकिए के नीचे रखिएगा रात भर 24 घंटे। और उसके बाद उसे कहीं भी, अगर आप मंदिर में ही सही, अच्छी सामग्री के साथ उसको जला दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी। भगवती आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप बहुत प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, आपका जीवन खुशहाल रहे, इस महामारी से हम जल्दी बच पाएं, ऐसी कामना करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।